3 अप्रैल को ताइवान में आए 7.4 रिक्टर वाले भीषण भूकंप से काफी कम तबाही हुई। ताइवान में 25 साल में आए इस सबसे शक्तिशाली भूकंप से मात्र 9 लोगों की मृत्यु हुई और 48 इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि पिछले साल इतनी ही तीव्रता के भूकंप से तुर्की में तबाही की तस्वीर दिल दहलाने वाली थी, जिसमें 50,000 लोग मारे गए थे और 2.5 लाख से ज्यादा इमारतें तबाह हुई थी। भूकंप के ताइवान मॉडल से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। ताइवान में 99 में आए भूकंप से सबक लिया, जिसमें 2,500 मौतें हुई थी जबकि 1 लाख इमारतें गिरी थी। 3 अप्रैल को आए भूकंप से ताइवान में कम नुकसान की वजह आपदा से निपटने की तैयारी है। नमस्कार, मैं मानस रॉय। आज हम भूकंप के ताइवान मॉडल के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसके कई पहलू हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बतलाती है कि ताइवान में टाउन प्लानिंग को लेकर कई बदलाव किए गए। हाई राइज बिल्डिंग में न्यूनतम दूरी तय की गई। पहले से चेतावनी देने वाले अर्ली वार्निंग सिस्टम को सभी जगहों पर जरूरी कर दिया गया है। यहाँ की सरकारी एजेंसियां और म्यूनिसिपल बोर्ड नए निर्माण कार्यों की रोज चेकिंग करती है, जिसमें स्टील कंक्रीट बॉक्स की जांच सबसे जरूरी है। रिपोर्ट बतलाती है कि ताइवान में सरकार नई और मौजूदा इमारतों के लिए भूकंप प्रतिरोध स्तर को लगातार संशोधित करती है। इससे इमारतों की लागत पड़ती है, पर राहत के लिए लोगों को सब्सिडी मिलती है। ताइवान की सबसे ऊंची 101 मंजिला इमारत की भूकंप प्रतिरोधी बनावट सबसे ज्यादा अनोखी है। 3 अप्रैल को आए भूकंप में ये इमारत हिलती दिखी, थोड़ी झुक गई पर गिरी नहीं। 1671 फीट ऊंची इस इमारत में भूकंप से निपटने के लिए अनोखा उपाय अपनाया गया है। इसे पैसिव डंपिंग सिस्टम कहते हैं। यह भूकंप और तेज हवा में इमारत के हिलने को 40% तक कम कर देता है। एक 660 टन स्टील का गोला, जिसे ट्यून मास डैम्पर कहा जाता है, इमारत पर पेंडुलम की तरह लगा है। जैसे ही इमारत एक दिशा में झुकती है, गोला दूसरी दिशा में घूमता है और इमारत का संतुलन बनाए रखता है। ताइवान के डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम यानी आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली अत्याधुनिक है। ये भूकंप से जुड़े ऑनलाइन पोस्ट और तस्वीरों को स्कैन करती है, जिससे सरकार को संसाधनों को जल्द तैनात करने में मदद मिलती है। नुकसान के आकलन के लिए निगरानी कैमरे हैं। वहीं ताइवान के ट्रेनों में सेंसर लगे हैं, ये भूकंप की तरंगों को ट्रैक करते रहते हैं। भूकंप का आभास होते ही ट्रेन में तुरंत ब्रेक लग जाता है, ट्रेन पटरी से ना उतरे इसकी भी व्यवस्था है। ताइवान में विश्व स्तरीय भूकंपी नेटवर्क और भूकंप सुरक्षा पर सार्वजनिक शिक्षा अभियान लागू किया गया है। प्राइमरी स्कूल में ही बच्चों को इसकी ट्रेनिंग देना अनिवार्य है। इससे बच्चों को भूकंप के समय किस तरह कहां छिपना है और खुद को बचाना शामिल है। आपदा के वक्त स्कूल से कैसे निकलना है, ये भी सिखाया जाता है। यहाँ टॉप डाउन और बॉटम अप गवर्नेंस कल्चर है। आपदा तैयारियों में टॉप डाउन के तहत अधिकारी बिल्डिंग कोड को अपडेट और लागू करते हैं। इसमें इमारत से भूकंप की स्थिति में लोग कैसे निकले, इसे प्लान में शामिल किया जाता है। बॉटम अप का अर्थ है कि समुदाय के साथ काम करना। भूकंप के बाद निकासी और बचाव कार्यों में जनता आपसी सहयोग से काम करती है। इन तमाम उपायों के कारण ही 3 अप्रैल को आए शक्तिशाली भूकंप के बावजूद काफी कम तबाही देखने को मिली, जो ताइवान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ताइवान भूकंप के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि यह रिंग ऑफ फायर में स्थित है। भूकंप प्रभावित देशों को ताइवान के इस मॉडल को अपने यहाँ भी धीरे धीरे लागू करना चाहिए। ताइवान के लोगों ने भी सरकार से मिल रही जानकारी पर भरोसा किया और लोगों की मदद करने और उन्हें बचाने के लिए सामूहिक रूप से काम किया। झटकों के बाद लोग जानते थे कि उन्हें कहाँ जाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह शासन प्रणाली की ताकत का प्रमाण है कि ताइवान में उस पैमाने पर मौतें नहीं हुई, जैसा हमने अन्य देशों में देखा है।